सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो के वाई टी बॉय, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है। आज मेरे पास जो काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दानिश व्लॉग्स के बारे में। तो ये जो है कश्मीरी व्लॉगर हैं, तो ये जो है ट्रैकिंग पे गए हुए थे एंड इनके जो है व्लॉग की सीरीज़ आने वाली है, जो कि आज से स्टार्ट होगी इनके चैनल पर। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक कश्मीरी गर्ल के बारे में, जिसका नाम जो है अफशाना है। अभी ये जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं कश्मीर में। तो हो क्या रहा है कि ये जो है कभी कभी लाइव करती है अपने इंस्टाग्राम पे। इन्होंने जो है दो चार दिन पहले जो अपना अकाउंट खोला है, ये जो है वहाँ पे बहुत गंदी गंदी रील्स वगैरह अपलोड करती है। एंड जब ये जहाँ पे जो है लाइव वगैरह आती है, तो वहाँ पे जो है 4 से 5 हज़ार लोग देख रहे होते हैं। एंड वहाँ पे जो है सिर्फ गालियां वगैरह बोल देती है ये, एंड गंदी गंदी बातें करती है। एंड ये जो है एक कश्मीरी ही गर्ल है यार, हमारे कश्मीर में जो है ऐसा कुछ हो रहा है। एंड काफी ज्यादा कश्मीरी यूट्यूबर्स इसको लेकर जो है खुश नहीं थे। सबसे पहले फहीम व्लॉग्स एंड बंदूक जो लाइव आए थे, उन्होंने इसके बारे में बात करी एंड रिपोर्ट करने का बोला। उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। तो क्या कि ये कुछ लड़कियां हैं लाइव जाते हैं, तो इनका कुछ मसला है कि ये कुछ लाइव में इंच कारण गलत गलत आए थे वारिये बहुत सारे, इनकी ऑडियंस अपरीच इसी की तसीज ऑडियंस लाइव में देखते हैं 4,000-5,000 बंदे। और लाइव में क्या क्या भागते हैं, ये मतलब फुल कश्मीर ना, मतलब फुल फुल मतलब सारा कश्मीर इनका लाइव देख रहा है, पूरा कश्मीर इनका लाइव देख रहा है अभी। एंड सीरियसली शर्म नहीं आती आप लोगों को, मतलब जो भी देख रहा है शर्म नहीं आती। एंड इन्होंने अपने लाइव में यही कहा कि उस आईडी को जो है रिपोर्ट वगैरह करो, आपको भी अगर रिपोर्ट करना है तो आपके यहाँ पे आईडी शो हो रही होगी, आप भी जाके रिपोर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो वानी टॉक्स ने भी एक स्टोरी पोस्ट करी थी, उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ एक यूजर नेम आ रहा होगा, एक लड़की की यूजर आईडी है, इसकी आईडी पर जाना है, इसकी आईडी को रिपोर्ट करनी है और फिर ब्लॉक करना है। क्यों? क्योंकि ये शाम को लाइव करती है और लाइव को देखते हैं 3,000 लोग, लड़कियां लड़के इकट्ठे, खास कर मुझे लगते हैं लड़के ही देखते हैं, और ये वहां न्यूड बातें करती है, न्यूडिटी को प्रमोट करती है। और उसके बाद जो कश्मीरी यूट्यूबर्स ने जो स्टोरीज वगैरह पोस्ट करी हुई थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबर मुदस्सिर एंड SXR म्यूजिक के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि SXR म्यूजिक ने जो है बाबर मुदस्सिर को अपने एक सॉन्ग में जो है डिस करा था। अब जो है बाबर मुदस्सिर एंड अरब किड अरफात का जो है तूफान 2 आया, जो कि कल आया। एंड उसमें जो है बाबर मुदस्सिर ने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं SXR म्यूजिक पे, अगर आपको है तो आप जाके सुन सकते हो। एंड SXR अगर इसका कुछ रिप्ले करते हैं तो मेरी वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। सो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी न्यूज़ मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।